आसमान ठीक नहीं, कहने का मतलब कि हाँ धुंध नजर आ रहा है, तो ये समस्या बहुत है। इसके सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। घूमने जैसा फील नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी, धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को, इट्स नॉट हेल्दी। तो इतना नहीं होना चाहिए था, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि करे हमारी पब्लिक के लिए और सेफ हो। प्रदूषण यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, बड़े को भी छोटे को सबको हो रही है यहाँ पे दिक्कत। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ मतलब टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं, तो काफी ज्यादा ये हैगा कि इतनी, और खासकर ये दिल्ली में ही हो रहा है, मैंने तो सुना रेड जोन में भी आ गया है। तो इतना नहीं होना चाहिए था, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि करे हमारी पब्लिक के लिए और सेफ हो। तो मेरे को, और जो हमारे ओल्ड एज, चलो हम तो यंगर्स है, जो हमारी ओल्ड एज पर्सन है ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सर देखो, एक तो पोल्यूशन की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि उसके वजह से हमको आंखों में जलन और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिसे सांस लेने में अब अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हम, ओके। और इस वजह से तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए इसके लिए कि क्या करना है। और जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो इवन निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, घुटने में दर्द होता है, ये सब चीजें, तो ये पोल्यूशन के वजह से तो वो लोग और निकल नहीं पा रहे, घर पर ही है। घूमने जैसा फील नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी, धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को, इट्स नॉट हेल्दी। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, बट आई थिंक इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, विच इज अगेन वेरी अनहेल्दी। सर इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से विजिबिलिटी में दिक्कत होती है, और जैसे हम सांस सूस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, उसको भी दिक्कत आ रही है। जी 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 जी। बच्चे हैं घर में? अभी तो मैं सिंगल रह रहा हूँ सर, लेकिन जो आम लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम होती है, जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग आदमी हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। पैदल चलते हैं तो जी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, जैसे पोल्यूशन हो रहा है तो इसकी वजह से। प्रदूषण यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, बड़े को भी छोटे को सबको हो रही है यहाँ पे दिक्कत। कितना पैदल चलना पड़ता है? पैदल चलना पड़ता है, उसमें भी दिक्कत होती है, सांसें फूल जाती है, यही है। हाँ पानी की बहुत छिड़काव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे यहाँ पे कभी कभी होता है। लगता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहा है। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहा, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। आसमान ठीक नहीं, कहने का मतलब कि हाँ धुंध नजर आ रहा है, तो ये समस्या बहुत है। इसके सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। पीएम 2.5 और पीएम 10 को हम ज्यादा मॉनिटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5-7 गैसेज और निकलती है जिसकी रिपोर्टिंग होती है। सर क्या क्लाउड सीडिंग के जरिए आप लोग कृत्रिम बारिश को लेकर आईटी कानपुर के संपर्क में हैं, और क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या भविष्य में या जल्द से जल्द कृत्रिम बारिश को लेकर आप लोग तैयारी कर? देखिए कृत्रिम बारिश को लेकर के हमने पहले भी आईआईटी कानपुर के साथ मीटिंग की थी, और उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बरसात के मौसम में क्लाउड सीडिंग करने का है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप इसको दिल्ली में सर्दियों में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें जरूरत सर्दियों में पड़ रही है। तो उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक आप रिपोर्ट तैयार करके प्रेजेंटेशन करें, और उनसे संवाद हो रहा है, उनका प्रपोजल आने के बाद फिर उसको एग्जामिन करके फिर हम आगे बढ़ पाए। कल तक के लिए हमें निर्देश दिया, कब तक का ये डाटा है जो कि जारी किया जाएगा, क्योंकि स्टडी काफी टाइम, ये तो रियल टाइम होता है जो वो चालू होगा, तो ये जो रिपोर्ट देता है वो रियल टाइम देता है, वो पर आवर का डाटा जनरेट करता है। तो आज से शुरू हो जाएगा सिस्टम? कल से मैंने बोला है कि आज पेमेंट करके कल से उसको स्टार्ट करेंगे। सर ये फुल कैपेसिटी पे कब से चलाएंगे स्मोक टावर को, क्योंकि आज शुरू तो कर मैंने कल के लिए बोला है, कल के लिए डायरेक्शन हमने दिया है कि कल आप कल से चालू कराना शुरू करिए। सर सिर्फ सीपी
आनंद बिहार वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसके लिए तो हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो कनॉट प्लेस का है, उसके लिए हमने डायरेक्शन दिया है। सर, क्योंकि वो भी दिल्ली में आनंद बिहार में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है, तो क्या आपने कोई बातचीत की है किनसे भी चालू किया जाए? केंद्र सरकार से एक बार आप पूछेंगे तो बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। थोड़ा लगातार बातचीत करते रहे हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है, हम तो चिट्ठी लेके भेजे, जवाब भी नहीं भेजा उन्होंने। सर, खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि हरियाणा में पराली बहुत कम जल रही है पिछले साल के मुकाबले। हाँ, तो जल तो कम रही है, जो बची है उसी के लिए तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों में जो बची हुई है पराली उसको भी इमीडिएट कंट्रोल किया जाए, और इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए SHO को रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बनाया है, और DGP और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करें सभी राज्यों में, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म भी प्लान बनाया है, जिसमें पंजाब ने अपना प्लान सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट को। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है, उन्होंने पूरे देश के हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि अपने अपने हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बनाइए और MLA MP के केसेस को मॉनिटर करते रहिए। पूरे देश के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको भी डायरेक्शन गया हुआ है कि आप भी अपने जिले में जो MLA MP के मुकदमे चल रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते रहिए। MLA MP के केसेस में कोई एडजमेंट नहीं होगा, डे टू डे हियरिंग होगी, एक साल के अंदर उसका फैसला आएगा। ये हाई कोर्ट पे भी लागू होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होगा। इसमें हमारी एक और मांग थी कि जिन लोगों को सजा हो जा रही है उनके चुनाव लड़ने पे लाइफ बैन होना चाहिए। अभी जो केवल 6 साल का बैन होता है, यानी आज जिसको सजा हो गई, सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए चुनाव लड़ने पे, और केवल चुनाव लड़ने पे नहीं बल्कि सजा याफ्ता के पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने और चुनाव लड़ने, तीनों पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। इस मांग पे सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैकिंग मामले पे अपना बहुत ऐतिहासिक फैसला दे दिया है, और मैं आशा करता हूं आने वाले टाइम में गुंडे, बदमाश, माफिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तक 250 से ज्यादा सांसदों, विधायकों को सजा हो चुकी है, आजम खां को हुई, अफजाल अंसारी को हुई, मुख्तार अंसारी को हुई, इसी तरीके से अतीक अहमद को हुई, जितने भी माफिया इस टाइप के लोग थे, ऐसे 250 सांसदों, विधायकों को सजा हो चुकी है, और बहुत सारे माफिया जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे इस MLA MP कोर्ट के चक्कर में, अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राजनीति में आने से दूर रहते हैं। अब आने वाले टाइम में जब ये लाइफ बैन का फैसला आ जाएगा तो मुझे लगता है राजनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी और गंदे लोग संसद विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे।